नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज के लिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं जो वीडियो बनाया था जो उसको मैं पोस्ट नहीं कर पाया, और रीज़न आपका यह है थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, इंटरनेट पे कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण से आप लोग को लेवल्स नहीं दे पाया। बट जैसे हमने एनालिसिस किए थे 80% वैसे ही मार्केट ने मूव किया, वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। तो चलते हैं कल के लिए, कल कौन से लेवल्स पर आप ट्रेड कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। बट वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर जितने लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हैं वो लोग मुझे टेलीग्राम में जाके क्वेश्चन कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ आप लोग क्वेरी कर सकते हो कुछ भी अगर आपको डाउट होता है। उसके साथ साथ किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ काइंडली डिस्क्रिप्शन पे एक फ्री टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। इंट्राडे में कुछ ट्रेड सजेस्ट करता हूँ, वहाँ पर आप लोग वो फ्री ट्रेड भी ले सकते हो। साथ ही साथ कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरी होता है आप लोग मुझे वहाँ पर डिस्कशन टैब में आप लोग मुझे पूछ सकते हो। चलिए डायरेक्टली चलते हैं लेवल्स के ऊपर। वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला स्टॉक आप पर रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का सपोर्ट मैं देना चाहूँगा 440 रुपीज़ 40 पैसा। टाटा मोटर्स अगर 440 रुपीज़ 40 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 436, दूसरा रहेगा 431 15 पैसा। याद रखिए, अगर 440 रुपीज़ 40 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी आप सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 436, दूसरा रहेगा 431 15 पैसा। अगर रेजिस्टेंस की बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 444 रुपीज़ 95 पैसा। जैसे ही 444.95 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 449 रुपीज़ 50 पैसा, दूसरा रहेगा 450 450 पैसा, तीसरा 458 90 पैसा। देखिए, एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन किया हुआ है, अगर थोड़ा कल नीचे भी आ जाता है तो आप लोग जो भी सपोर्ट दिया उसी हिसाब से टारगेट करिएगा। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने को मिले तो तभी बाय कर सकते हो, और रेजिस्टेंस के ऊपर काफ़ी अच्छा टारगेट भी मैंने दिया हूँ। 444.95 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी आप लोग बाय कर सकते हो। टारगेट रहेंगे 449.50 पैसा, 454.50 पैसा, 458.90 पैसा, यहाँ तक आपको टारगेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। जाने से पहले इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा DLF। देखिए, DLF के ऊपर इतना अच्छा मोमेंटम नहीं हुआ है क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमने प्लान किया था, कल आज के लिए एनालिसिस करके आपको लोग को नहीं अपलोड नहीं किया था वीडियो। तो एनीवे, जो भी लेवल्स था मैं आपको वही उसी हिसाब से बताता हूँ। ये ज़्यादा देर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि देखो, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन करता तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिलता, करीबन 450 253 के आसपास देखने को मिलता। बट एनीवे 50 के आसपास ये जाके अभी थोड़ा नीचे अभी क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग चलते हैं DLF में कहाँ पर टारगेट हो सकता है, सपोर्ट पहले चलते हैं। सपोर्ट रहेगा 342 रुपीज़ 35 पैसा। याद रखिए, अगर DLF कल 342 35 पैसे के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 336 50 पैसा, दूसरा टारगेट रहेगा 329 80 पैसा। याद रखिए, 342 35 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 336 50 पैसा और 329 80 पैसा। उसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 346 30 पैसा, 346 30 पैसा के ऊपर चलता है बाय कर सकते हो। 350 रुपीज़ 30 पैसा उसके ऊपर चलता है 356 20 पैसा। तो गाइस दोबारा बता देता हूँ, अगर DLF 346 30 पैसा के ऊपर सस्टेन करता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 350 रुपीज़ 30 पैसा, 356 20 पैसा, यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ किसी को भी अगर फ्री टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको इंट्राडे पर स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है,
अगर आप लोग इंट्राडे में कुछ फ्री ट्रेड लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, जाके चेक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के ऊपर भी थोड़ा चलते हैं और SBI के ऊपर हम लोग थोड़ा भी देखेंगे लेवल्स। SBI का सपोर्ट हम लोग पहले चलते हैं, सपोर्ट रहेगा 465 रुपीज़। याद रखिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 465 के नीचे सस्टेन करने लगता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 460 रुपीज़ 20 पैसा। 460 रुपीज़ 20 पैसा के नीचे भी चलता है 454, और 454 के नीचे 450। याद रखिए 465 के नीचे 460 पहला टारगेट, 460 रुपीज़ 20 पैसा। दूसरा रहेगा 454, तीसरा रहेगा 450। रेजिस्टेंस की अगर बात कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 470 रुपीज़ 70 पैसा का रेजिस्टेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 476 40 पैसा, दूसरा रहेगा 485 पैसा। दोबारा बता देता हूँ, 470 रुपीज़ 70 पैसा के ऊपर अगर सस्टेन करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 476 40 पैसा, उसके ऊपर भी चलता है 482 55 पैसा। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्लियरली आपको आप लोग को बता दिया हूँ, काइंडली आप लोग लिख लीजिए, मार्केट में आप लोग उस हिसाब से काम जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है उसके साथ साथ अगर आप लोग सीखना चाहते हो कैसे आपको मार्केट में काम करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, ये सारा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप काइंडली डिस्क्रिप्शन पे एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर मुझे मेल करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी ट्रेनिंग की। सैटरडे संडे दो सेशन में रखता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए पहले आपको मेल करना पड़ेगा आपका डिटेल्स, और आपको सिखाऊंगा, आपको सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड अगर भी एक जगह पर ट्रेड हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन पर है, अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक करता है डाउनसाइड के लिए तो आपको यहाँ पर आपको नीचे की ओर थोड़ा टारगेट मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर चला जाता है तो हो सकता है आपको ऊपर के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। बट आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको टारगेट्स फॉलो करने से पहले लेवल्स को फॉलो करिएगा जिस जो कि आपको काम करने में मदद हो। पहला सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट रहेगा आपका 136.75 पैसा। याद रखिए अगर अशोक लेलैंड 136.75 पैसे के नीचे सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 135.40 पैसा, उसके नीचे भी चलता है 132.95 पैसा। याद रखिए 136.75 पैसा के नीचे 135.40 पैसा और 132.95 पैसा, ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ 138.70 पैसा के ऊपर अगर चलता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 140.65 पैसा और उसके ऊपर चलता है 143 के ऊपर चलता है तो एज यूजल आपको बताया था इससे पहले 145.30 पैसा के आसपास भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस जो भी सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैंने क्लियरली आपको बता दिया हूँ। कुछ डाउट हो रहा है पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेल में या फिर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके मुझे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील अभी भी एक जगह पर ट्रेड हो रहा है, अगर कल ये एक ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 1100 या इसके ऊपर का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एनीवे डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर चलते हैं और टाटा स्टील का लेवल्स कहाँ तक है और कहाँ तक जा सकता है। पहला सपोर्ट देखेंगे, सपोर्ट रहेगा 105.45 पैसा। याद रखिए 105.45 पैसे के नीचे अगर सस्टेन करता है टाटा स्टील आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1037, दूसरा रहेगा 1018। याद रखिए 105.45 के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी सेल करना है। 1037 और 1018 आपका टारगेट रहेगा। उसके रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ 1063.15 पैसे का रेजिस्टेंस है, 1063.15 पैसा। जैसे ही 1063 के ऊपर सस्टेन करता है
टाटा स्टील आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1072, 1072 के ऊपर चलता है 1084 50 पैसा और उसके ऊपर चलता है 1097, यहाँ तक आपको टारगेट हो सकता है। चलिए दोबारा बता देता हूँ, अगर टाटा स्टील 1063 के ऊपर सस्टेन करता है आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 1072, दूसरा रहेगा 1084 50 पैसा और तीसरा 1097, यहाँ तक आपको टारगेट रहेगा। आई होप आपको जो भी लेवल्स चाहिए था मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हो वहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।